राजा काले कावर। जो हिंदुस्तान की आवाम है या देश विदेश जितने भी लोग हैं, उन्होंने गदर को बहुत फाइनली दोस्तों आज तकरीबन 2:30 बजे गदर फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। बताना चाहूंगा दोस्तों, वैसे तो इस फिल्म को पहले ही रिलीज कर दिया था, मतलब कि 2001 में, बट इस फिल्म का सेकंड पार्ट रिलीज होने वाला है, जिसके चलते फिल्म की टीम ने फिल्म को 4K में कन्वर्ट किया है और फिल्म का 4K ट्रेलर रिलीज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग गदर फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर को जी स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बात करें दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के बारे में, तो दोस्तों आप लोग गदर फिल्म को टीवी पर कई बार देख चुके होंगे और गदर फिल्म हम लोग जब भी देखते हैं तो इस फिल्म को देखते टाइम बहुत ही खतरनाक घूसबम आते हैं, क्योंकि इस फिल्म में जो डायलॉग डाले गए हैं वो अलग ही लेवल पर पहुंचा देते हैं। मतलब कि सनी पाजी डायलॉग बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इस वाले डायलॉग पर ना जाने कितने सारे मीम्स बन चुके हैं। इसके अलावा गदर फिल्म के अंदर ऐसे कई सारे डायलॉग हैं जिन डायलॉग को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप लोग इस फिल्म के ट्रेलर को जाकर देखिए, जहां पर ट्रेलर में कई सारे डायलॉग सुनने के लिए मिल रहे हैं और उन डायलॉग को सुनने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। हालांकि दोस्तों हम लोगों ने तो इस फिल्म को थिएटर में नहीं देखा, लेकिन अब इस फिल्म को थिएटर में देखने का मजा आने वाला है, क्योंकि इस फिल्म को 9 जून को थिएटर में रिलीज किया जाना है। आज से ठीक 15 दिन बाद गदर फिल्म भारत के सभी सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म की टीम ने फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और डबिंग पर फिर से काम किया था, जिसके चलते ये फिल्म देखने में 2022-23 की फिल्मों की तरह लगने वाली है। हालांकि दोस्तों अभी तक कुछ लोगों को शायद ये पता ही न चला होगा कि गदर फिल्म का ट्रेलर आ गया है या फिर नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, गदर फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और इस फिल्म के ट्रेलर को जी स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया है, जहां पर आप लोग देखोगे तो आप सभी लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और इस फिल्म के ट्रेलर में आप लोग अमरीश पुरी सर को भी देख सकते हैं, और जिस फिल्म में अमरीश पुरी सर रहते हैं वो फिल्म अपने आप में बहुत ही शानदार लगती है। तो दोस्तों तैयार रहिए, ये फिल्म 9 जून को भारत के सभी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बाकी आप लोग कमेंट कर बताना अगर आप लोगों ने गदर फिल्म के ट्रेलर को देख लिया तो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप लोग इस फिल्म के ट्रेलर को जल्दी से जाकर देखिए।